मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी पर मुंब्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मतीन शेखानी सहित करीब 30 लोगों पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि मतीन शेखानी ने बिना इजाजत सभा की और उसमें धमकी भरे भाषण देने का आरोप मतीन शेखानी पर लग रहा है। मतीन शेखानी सहित 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 188, 37, 3, 135 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा कुछ महीने पहले मतीन शेखानी सहित करीब 70 से 80 लोगों पर भी डायमंड हॉल में सभा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के मामले में मुंब्रा पुलिस ने एक और एफआईआर रजिस्टर किया था। वही आपको बता दें, एक दूसरी खबर जो मुंब्रा बाईपास से है, मुंब्रा बाईपास पर कल रात में एक एक्टिवा सवार दो लोग ट्रक हादसे का शिकार हो गए हैं। ये दोनों लड़के मुंब्रा के वफा पार्क के रहने वाले हैं। हादसे में दोनों लड़कों को चोट लगी है। मोहम्मद समीर ने बताया कि मुंब्रा बाईपास चार मीनार के पास में पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो मुंब्रा बाईपास रोड पर ही गिर पड़े। इस हादसे में समीर के दोस्त को मामूली रूप से चोट लगी है, जबकि समीर के पैर की हड्डी फ्रैक्चर हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। और बिलाल हॉस्पिटल में ये भर्ती है। क्या नाम है आपका? समीर। मोहम्मद समीर। कैसे ये हादसा कैसे हुआ? हाईवे पे जा रहा था, पीछे से ट्रक वाले ने ठोक दिया। क्या अभी डॉक्टर ने क्या बताया आपको? अभी तक कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने, अपने अब्बा को बताया। कितने बजे हुआ है? एक कुछ अब अभी 10:30 बजे।